तो आज इस वीडियो में मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ चैप्टर स्नेक के कंप्लीट एक्सरसाइज सॉल्यूशन। इस चैप्टर के ऊपर मैंने पहले भी वीडियो बनाए हैं पार्ट वन, और ये इस चैप्टर का पार्ट टू है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि इस वीडियो में मैंने सिर्फ टेक्सचुअल क्वेश्चन आंसर को एक्सप्लेन किया है, पर अगर आप इस चैप्टर में बेटर मार्क्स स्कोर करना चाहते हैं तो आपको अलग से क्वेश्चन बैंक सॉल्व करने ही होंगे। मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नीचे कुछ बुक्स के लिंक दिए हैं, आप वहाँ से एक बार उन्हें चेक कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो नेक्स्ट है सी, हाउ डज द पोएट डिस्क्राइब द डे एंड द एटमोसफियर व्हेन ही सॉ द स्नेक। पोएट ने उस दिन को और वहाँ के एटमोसफियर को किस तरह से डिस्क्राइब किया जब उसने स्नेक को देखा था। तो इसका आंसर होगा, इट वॉज अ वेरी हॉट डे इन सिसिली इन द समर मंथ ऑफ जुलाई। तो इसमें कहा गया है, उस दिन बहुत ही ज़्यादा गर्मी थी सिसिली में, जैसा कि जुलाई मंथ के समर में होता है। द अर्थ वॉज पार्च्ड एंड ड्राई एंड माउंट इतना वॉज सेंडिंग आउट फ्यूम्स। अर्थ बहुत ही ज़्यादा पार्च्ड हो चुका था, सूख चुका था। यहाँ पार्च्ड का मतलब है टू बिकेम ड्राई और जूलस, एंड माउंट इतना वॉज सेंडिंग आउट फ्यूम्स विच मेड द डे इवन मोर हॉट। और यहाँ माउंट इतना जो है वो गर्मी की धीरे धीरे भाप छोड़ रही थी, जो कि उस दिन को और भी ज़्यादा गर्मी बना रही थी। बट द वाटर ट्रफ वॉज अंडर द सेंटेड कैरोट ट्री। पर जो वाटर ट्रफ है वो कैरोट ट्री के नीचे था। यहाँ सेंटेड का मतलब है उसकी खोज में। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट है डी, व्हाट डज द पोएट वांट टू कन्वे बाय सेइंग दैट द स्नेक इमर्जेस फ्रॉम द बर्निंग बोयल्स ऑफ द अर्थ। पोएट जब कह रहे हैं कि स्नेक अर्थ के बर्निंग बोयल से निकल रहा है, इस लाइन से पोएट क्या दर्शाना चाहते हैं। तो इसका आंसर होगा, बाय दिस लाइन द पोएट वांट्स टू कन्वे दैट देयर इज इंटेंस हीट इनसाइड द होल ऑफ द अर्थ एज इट इज बर्निंग। तो इसमें कहा गया है, इस लाइन से पोएट ये दर्शाना चाहते हैं कि अर्थ के भीतर बहुत ही ज़्यादा गर्मी थी, जैसे कि अर्थ के अंदर कोई चीज़ जल रहा हो। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट है ई, डू यू थिंक द स्नेक वॉज कॉन्शियस ऑफ द पोएट प्रेजेंस, हाउ डू यू नो। तो इस क्वेश्चन में कहा गया है, क्या आपको लगता है स्नेक को पता था कि पोएट उसके आसपास ही है, हाउ डू यू नो, और ये आपको कैसे पता चलता है। तो इसका आंसर होगा, नो द स्नेक वॉज नॉट कॉन्शियस ऑफ द पोएट प्रेजेंस। नहीं, स्नेक पोएट के प्रेजेंस से वाकिफ नहीं था। ही लुक्ड अराउंड वैग्यूली बट डिड नॉट नोटिस द पोएट। वो अपने आसपास देख रहा था पर उसने पोएट को ध्यान नहीं दिया। यह वैग्यूली का मतलब है अस्पष्ट, समथिंग नॉट वेरी क्लियर। तो स्नेक आसपास देख रहा था पर इसी वजह से उसे पोएट नजर नहीं आया। इफ ही हैड बीन कॉन्शियस देन द स्नेक वुड नॉट हैव म्यूज्ड इन बिटवीन ड्रिंकिंग वाटर नॉर वुड हैव टेकन सो मच टाइम इन ड्रिंकिंग वाटर। तो इसका मतलब है, अगर उसे पता होता कि पोएट उसके आसपास है तो वो उतने ध्यान से पानी नहीं पीता, नहीं वो पानी पीने में इतना ज़्यादा समय लगाता। इट वुड हैव वैनिश्ड वेरी क्विकली, और वो वहाँ से बहुत ही जल्दी गायब हो जाता। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है एफ, हाउ डू वी नो दैट द स्नेक थर्स्ट वॉज सैचुएटेड। हमें किस तरह से ये पता चलता है कि स्नेक की प्यास संतुष्ट हो चुकी थी। यह सैचुएटेड का मतलब है कंप्लीटली सेटिस्फाइड या संतुष्ट। पिक आउट द एक्सप्रेशन दैट कन्वे दिस। हमें वो एक्सप्रेशन दिखाना है जिससे ये प्रूव होता है कि स्नेक का प्यास सेटिस्फाई हो चुकी थी। तो इसका आंसर होगा, द स्नेक थर्स्ट वॉज सैचुएटेड एट इट लुक ड्रीमीली आफ्टर ड्रिंकिंग द वाटर। मैं लग रहा था स्नेक की प्यास बुझ चुकी है, क्योंकि वो पानी पीने के बाद अपने ही ध्यान में चल रहा था। यह ड्रीमीली का मतलब है विचार मग्नता या अपने ही ध्यान में चलना। द एक्सप्रेशन यूज टू जस्टिफाई द सेम आर। ये वो सारे एक्सप्रेशन है जिससे हमें पता चलता है स्नेक की थ्यास पूरी तरह सेटिस्फाई हो चुकी थी, और वो है एंड फ्लिकर्ड विथ हिज टू फोक टंग। वो जिस तरह से अपने दो टंग को फ्लिकर कर रहा था, मतलब हिला रहा था, उससे हमें पता चलता है कि उसकी प्यास बुझ चुकी थी। म्यूज्ड अ मोमेंट, कुछ समय के लिए अपने ध्यान में लीन हो जाना। ही ड्रैंक एनफ, उसने बहुत ज़्यादा पी लिया था। एंड लिफ्टेड हिज हेड ड्रीमिली, वो जिस तरह से विचार मग्नता होकर अपने सर को उठा रहा था। ये सारे एक्सप्रेशन से हमें पता चलता है कि स्नेक की प्यास संतुष्ट हो चुकी थी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है जी, द पोएट हैज़ अ ड्यूअल एटीट्यूड टुवर्ड्स द स्नेक।
स्नेक के प्रति पोएट के मन में दो तरह के एटीट्यूड थे। व्हाई डज ही एक्सपीरियंस कॉन्फ्लिक्टिंग इमोशंस ऑन सीइंग द स्नेक? स्नेक को देखने के बाद पोएट ने क्यों इस तरह का स्ट्रगल इमोशन एक्सपीरियंस किया? तो इसका आंसर होगा, द पोएट इज बोथ अफ्रेड ऑफ द स्नेक एंड इज ऑल्सो फैसिनेटेड बाय इट। तो इसका आंसर है, पोएट स्नेक को देखने के बाद वो बहुत ज़्यादा डर चुका था और साथ ही वो उससे बहुत ज़्यादा आकर्षित भी था। यहाँ फैसिनेटेड का मतलब है अट्रैक्टेड टू समथिंग। सोशल एजुकेशन हैड टॉट द पोएट दैट ऑल स्नेक्स आर पॉइजनस सो दे मस्ट बी स्ट्रक डाउन। सोशल एजुकेशन पोएट को ये कहता है कि सभी स्नेक पॉइजनस होते हैं और उन्हें मार गिराना चाहिए। वेयर एज द स्नेक्स डिग्निफाइड मैनर इवोक्स द पोएट एडमिरेशन। बट जबकि स्नेक के डिग्निफाइड मैनर को देखकर पोएट उसके प्रति एडमायर हो रहा था। दिस ड्यूअल रिस्पॉन्सेस वेयर लाइक टू वॉइसेस दैट मेक द पोएट स्ट्राइक एट द स्नेक मच अगेंस्ट हिज विशेस। ये वही दो रिस्पॉन्सेस है जैसे कि पोएट को दो आवाज़ मिल रही हो, जिसके वजह से पोएट ना चाहते हुए भी स्नेक को मारने के लिए मजबूर हो गया था। तो इस वीडियो में इतना ही। मैं रिमेनिंग क्वेश्चन वीडियो के थर्ड पार्ट में एक्सप्लेन करने वाला हूँ। और मेरे पास ऐसे कुछ कमेंट आ रहे थे जिसमें आपको वीडियो के नोटिफिकेशन नहीं मिल रहे हैं, तो मैं ये कहना चाहूँगा कि आप अपने नोटिफिकेशन बेल को इनेबल कर लें, जिससे कि आपको सारी नोटिफिकेशन मेरे वीडियो अपलोड करते ही मिल जाएंगे। तो ये थे चैप्टर स्नेक के कम्प्लीट एक्सरसाइज सोल्यूशन। अगर आपको इस चैप्टर को लेकर कोई भी प्रॉब्लम है या फिर आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है तो आप मुझे नीचे कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर करूँगा। और ये वीडियो अगर किसी भी तरह से आपको हेल्पफुल लगता है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।